हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ स्टैंड अप कॉमेडी बाय रजत चौहान। एंड दिस इज द 41st वीडियो ऑफ हिम। एंड ये वीडियो है बाय रजत चौहान, मतलब इनका पहली बार ही हम वीडियो देख रहे हैं। और ये कॉर्पोरेट लाइफ, लाइक इन वी कैन से लाइक एम्प्लॉय, वो काइंड ऑफ अ थिंग्स हम मे बी ऐसा बोल सकते हैं। सो हाउ दिस स्टैंड अप कॉमेडी इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है दुनिया में सबसे अच्छी जॉब जो है वो एडमिन की है। आई विल टेल यू, बिकॉज एडमिन का सबसे पहला काम है हर एम्प्लॉय को टालना। मतलब जब इनका एचआर इंटरव्यू लेता है ना, तभी उनसे पूछता है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय कुछ मांगने का आएगा तो आप कैसे टालेंगे? तो कहता मैं कल बताऊं। यू आर हायर्ड। मैंने गलती से अपनी जिंदगी में एक बार एडमिन से एक पेन मांग लिया, बस ये मेरा कसूर बनाया जाता। मैं गया, मेरा पेन, कह रहा वो आ रहे हैं अभी। आ रहे, थोड़ी देर बाद आया, मैंने कहा पेन, कह रहा सॉरी यार, वो जिस ट्रक में आ रहे थे वो ट्रक पलट गया। ये क्या? आधे घंटे का फिर मैंने कहा वो पेन, कह रहा वो जो ट्रक पलटा ना तो उन पेनों को सब्बा लग गया है, वो चल नहीं रहे। फिर पेन कहना नहीं आए। मतलब कुल मिलाकर उसने मुझे पूरे दिन पेन नहीं दिया। हाँ। इसलिए उनका नाम होता है एडमिन, एड मिनट टू ईच एंड एवरी टास्क। देखो ये होता है। ब्रदर, आप इनके साथ जानते हैं दूसरे को? बहुत अच्छी ये एक क्वालिटी जो मैम को आपको आपको लगा कि ये क्वालिटी में जान पाया हूं, डिवोशन इन डिवोशन सिर्फ अनुराधा पौड़वाल में थी। अब इनमें देखना, देखो ये निकलेंगे, देखो मैचिंग करके आए दोनों, ग्रीन ग्रीन पहन के आए। देखो आप दोनों डेटिंग, जस्ट फ्रेंड्स। देन हाउ आर यू? You know what you lack? Devotion. अरे रैगिंग हुई किसी की आप में से? कभी रैगिंग? रैगिंग में क्या करा आपसे? बेल्ट से मारते। लिंक क्या बता दीजिए प्लीज आपस में। बस कोलिग्स, नेबर एंड कोलिग्स, घर भी वहीं पे। ये वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा? कह रहे एमडी साहब ने बुलाया, वो बेडरूम में जा रहा है। फिर एचआर ने फोन किया, बालकनी में घड़ी एचआर है, एडमिन रोटी बना रहा है बैठ कैसे। आप में से किसको मिला कभी थके हुए लैपटॉप कंपनी से, जिनका लेट बैक एटीट्यूड होता है कि लैपटॉप खोलो कैसे लेट जाते हैं ऐसे? हे आई एम ऑन वेकेशन, वन लैपटॉप वाले। मेरी कंपनी में जैसे लैपटॉप दिया, कह रहा तुम्हें कंपनी को आगे ले जाना, मैं कहा इससे तो नहीं जाएगा। ये वो लैपटॉप है जो डेल और कॉम्पैक्ट, लिनोवो आते हैं लैपटॉप, तभी लैपटॉप बनाते थे कि लैपटॉप में प्रोसेसर इंपॉर्टेंट नहीं जितना एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है, प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम। इनको कहता कि बिके ना बिके, कम से कम कबाड़ी में तो बिके। ये लैपटॉप ने अपनी बैटरी त्याग दी है बहुत सालों पहले, ये चार्जर पे चलते हैं सिर्फ, और इनके साथ मिलते हैं चार्जर की लंबी वायर है, पता है आपको पुराने जमाने में ऐसा लैपटॉप जिसकी वायर पैक करने के लिए ऐसे करते फिर ऐसे एक लेंथ में चलते, चलो चलो घर चलते हैं। इस वायर को मैंने लैपटॉप में लगाया और प्लग में लगाया, इससे मैंने अपने कपड़े सुखाए हुए हैं पूरे। मेरा भांजा आया, मैंने उसको पूरा झूला लगाया झूला। एक बार ट्रैक में जा रहा ट्रैकिंग पे, मैंने ये बांध दिया वहां पे ऐसे, कह रहा टूटेगी, मैं कहा टूटेगी नहीं भाई साहब, दो बार सिलेंडर लेके आया हूं मार के इसके साथ, तब भी रस्सी टूटी यार, यार इतनी मजबूत रस्सी यार। ये लैपटॉप ऑन करो तो पूरे ब्रह्मांड का अपडेट मांग लेता था। एक बार क्लाइंट के सामने खोला तो अपडेट पे लग गया। क्लाइंट और मैंने बैठ के 15 मिनट की मेडिटेशन करी है उस दिन।
व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप इज दिस, मैंने कहा कंपनी की पॉलिसीज है ये कि लैपटॉप ऑन होकर 15 मिनट मेडिटेशन दी जाए। ऐसा लैपटॉप जिसको डॉक्टर को देखो तो डॉक्टर बोलेगा अब इसको मेरी जरूरत नहीं है, इनको अब दुआओं की जरूरत है, बल्कि आपको इसका हवा पानी चेंज करना चाहिए और इसको पहाड़ों पे ले जाओ और वहां से फेंक दो। एक बार लैपटॉप गलती से मेरे हाथ से गिर गया, मैंने कहा चलो स्क्रीन टूट के नया मिल जाएगा। हाँ। फ्लोर में दरार थी। काम कर ले 2 घंटे गलती से मैंने तो गर्म हो गया और फूक गया, और आईटी का मैंने कहा ये फूक गया, तुमने फूका होगा मैं फूके में क्या फूकूंगा बताओ मुझे। दुनिया डिवाइड पता रीजन पे नहीं है डिवाइडेड, अब डिवाइडेड है फोन्स की क्वालिटी पे। अच्छा, जैसे एक एप्पल वाले हो गए वो अलग स्वैग, अच्छा फिर क्या होता है नकली स्वैग वन प्लस। ये पूरे समाज को बता रहे हैं कि एप्पल से अच्छा है जी, एप्पल से अच्छा है जी। वो वन प्लस का मोबाइल नहीं है, वो पावर बैंक है पता आपको, लाल रंग की वायर दे रखी है, गले में पहन लो, चाय बना लो, कुछ भी कर लो, पता नहीं कहां से बनाए हैं यार ये। एक आता फिर सैमसंग, सैमसंग ने किसी युग में त्रेता युग कह लो, आज से 500 BC AC जो भी कर लो, MC जो भी कर लो, उस टाइम पे उन्होंने एक फोन बनाया था, निर्माण किया था, जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी। और फिर गैलेक्सी के बाद पापा गैलेक्सी, पापा मम्मी गैलेक्सी, बहन गैलेक्सी, ताऊजी गैलेक्सी, चाचा गैलेक्सी। ये गैलेक्सी बता रहा हूं मैं, पाई तक जाएगा, पाई तक, पाई 22/7। क्या नहीं सुना जरा, नो म्यूजिक, ठीक है। मैम क्या करते हैं आप, चल ठीक आराम से बैठिए, बैग में ज्यादा पैसे लेके आई किसी के गिनने के लिए कि इंटरनल में से थूक लगा के गिनते रहोगे, रख दो आराम से कुर्सी पे। हस्बैंड भी आपके पास, यार ये सही है ना कजिन। नेकी और कुछ कुछ जब पता ही था फिर तो देखो होना ही था नहीं आपको। अब कोई बात नहीं, आपने कोई शो में मिस नहीं किया, आपके लिए रिकैप कैसे, ये कपल है, दी ओनली गुड क्वालिटी अबाउट दिस गर्ल इज डिवोशन एंड दिस गर्ल इज डिवोशनलेस, और वो बेल्ट से मार खा के आया कॉलेज में, वो बनता बेल्टों से ऐसे मार खा के आया ऐसा आदमी। बस अब आगे कितने लोग इंजीनियर से, आप में से फटाफट रीजन कर दो। मैं आपकी मैं रिलेटिव, मैं खुद इंजीनियर मैम, मैं कोई आपकी बेइज्जती नहीं करने वाला क्योंकि समाज ऑलरेडी कर रहा है। आपने MBA, हाँ वो लगती नहीं जिनकी जॉब ना, वो MBA ही करते हैं उसके बाद। आपको पता है इंजीनियरिंग 4 साल की होती क्यों है, इसलिए तो होती है, फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट आई विल कॉन्कर दिस वर्ल्ड, सेकेंड ईयर आई विल ट्राई, थर्ड ईयर मुश्किल है यार, फोर्थ MBA करते हैं भाई हम इसके बाद सीधा। तो आपने कुछ अलग नहीं किया, मैं कोई दिक्कत नहीं, बट गुड टू सी। और अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं MBA के बाद? खुंदक निकाल रहे, तारीफ नहीं कर रहे आपकी, ये ऐसे बाव करने लगी थी, बाव करी, थैंक यू। मुझे बस आप ये बताइए मैम कि सुबह उठ जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो लैपटॉप ऑन और ऑफ करने के बीच में क्या करते हैं? इतना सा छोटा सा विंडो है आपके पास, इसमें बताइए क्या करते हैं आप? नहीं वो तो मुझे पता नहीं बनाते आप, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करता था आप ये मानिए मेरी एचआर का सिर्फ एक काम था, हर दीवार पे मोटिवेशनल बोर्ड लगाना, हर दीवार पे, कोई दीवार सुनसान लग रही है यहाँ लगा,
इवन मेरे वॉशरूम में लगा रखे थे मोटर। क्या क्या लगा रहा था? मेरे यूरिन के ऊपर लिखा था गिव योर 100%। मैं कहा दे तो रहा हूं, यहां कौन 90 पे रुका है बताओ मुझे आप। मैं गाना एचआर वाला गाना क्यों चलती है पवन, सुना आपने गाना? क्यों झूमे है गगन, क्या करता है एचआर। सुना नहीं गाना? अच्छा ठीक है, मे बी इन्होंने तीसरी लाइन नहीं सुनी होगी भाई, तो सुनाई उन्होंने। चलो ठीक है, मैं बता दूं 7 साल का मैंने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया है। मैं अगर आपके ऑफिस में कभी भी जाऊंगा तो मैं बता सकता हूं कि ये डेस्कटॉप लड़की का है, क्योंकि अगर आपने देखी है मिनी आर्चिस गैलरी समझते हो आप, जब कभी आर्चिस गए हो हाँ। तो वहां पर आप एक टॉय उठाते कर बड़ा क्यूट है, फिर आप उसे उल्टा करते हो 700 रुपए ये कौन लेगा ये। और लड़कियों का बिल्कुल डेस्कटॉप बहुत प्यारा सस्ता है, मैं एकदम घुसा, मैंने कहा ये डेस्कटॉप बड़ा प्यारा होगा, मतलब उनके डेस्कटॉप पर जाओगे दो कीचें लगी होती हैं ऐसी, इनमें कोई चाबी नहीं होती, ये सोविनर लगा रखा है क्योंकि इनको सक्सेस की तो मिल चुकी है। अच्छा, तो जिंदगी में खुश हैं। फिर यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर पॉट छोटे छोटे से, फिर ऐसा शेड्यूलर लगा होता है प्यारा सा शेड्यूलर, फिर यहाँ पे अपने पापा मम्मी की फोटो होती है कि लव यू मम्मी लव यू पापा ऐसा। तो मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा मैम कुछ पूछ सकता हूँ आपसे, करी पूछिए। मैंने कहा ये जो आपने इसके लिए इंटीरियर डिजाइनर हायर किया था अपने डेस्कटॉप के लिए, इसका नंबर दे देंगी आप? करी एक्सक्यूज मी ऑल डन बाय माय सेल्फ। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। तो अगले दिन मैं आधा किलो धनिया लेके आया हूँ, धनिया और डेस्कटॉप पे छोटा लगा दिया। मैंने कहा ये है मेरा हरा भरा डेस्कटॉप। लड़कियों के ड्रॉअर ये भी अलग तरीके से बनते हैं, पता आपको? इन लड़कियों के ड्रॉअर में जाओ आप, पहला ड्रॉअर खोलो तो उसमें रखे होते हैं कुकीज एंड ग्रीन टी। और जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं मैं आपको बता दूं कि कुकीज खाने की विधि बहुत अलग होती है। एंड टुडे आई विल टीच यू कि फॉयल को हल्का सा खोला, सिल्वर का फॉयल होता है, बिस्किट खोला, एक बिस्किट निकाला, टिश्यू पेपर से साफ किया, एंड यू आर डन फॉर द डे। हमारी तरह नहीं कि पार्ले जी का पैकेट पूरा ही फाड़ दिया। फिर चार चार बिस्कुट चाय में डुबो डुबो के ही। ये बेस्ट फीलिंग है। और बाई चांस कोई देख नहीं रहा था, चूरा चार ड्रेस लगा लगा के ऐसे ऐसे पैकेट का चूरा लगा रहे हैं ऐसे मुंह में। फिर लड़कियों का सेकंड ड्रॉअर, इस ड्रॉअर में होता है इनकी एक इमरजेंसी ब्यूटी किट। कि कोई भी लड़की क्यूबिकल पे आए, बहन चल रही है वॉशरूम, चलो तो मैं क्या हुआ कि पहले दिन की बात है कि मैं पानी पीने के लिए वाटर कूलर पे चला गया, तो मेरे पास थी बिस्लरी की पुरानी बोतल जिसमें आती है ना क्लिक क्लिक आ जाती है, क्लिक क्लिक, मरी सी बोतल थी, मरी हुई। तो मैंने वो वाटर कूलर में लगाई नीचे, तो लग नहीं रही थी, मैंने मोड़ के लगा दी। मोड़ के तो ऐसी 3-4 तितलियां आई थी उड़ती हुई, कह रही हाउ डिस्गस्टिंग, मुझे डिस्गस्टिंग कह रही हो। मैंने कहा बहन तूने मुझे भी हाथ से भी तो नहीं देखा। अरे यार। और हाथ से पीते पीते जो एक लाइन ऐसे खींचती जाती है अंदर, उसका फन आप समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता है फन यार इसका। तो मुझे लग गई बेइज्जती। मैंने कहा इसने मुझे डिस्गस्टिंग बोला ब्रदर उसने मुझे। मैं कहा ना कल हम भी लेके आएंगे अच्छी बॉटल। अच्छा। तो हमने 72 रुपीज खर्च किए। अरे अरे। क्योंकि इजी डे पे 3 रुपए का डिस्काउंट था। और लेके हम पर्ल पैट की पर्पल रंग की बॉटल। अच्छा। इस इरादे से कि कल हम जाएंगे और ऑफिस में जैसे ही अपने डेस्कटॉप पे रखेंगे लड़के बोल देगी यू आर माई सोनिया। ऐसे फीलिंग थी हमारी सर। और आज की जब भी ना पानी की बोतल घर से लेके निकलते हो ना उस दिन प्यास बहुत लगती है। हर लाल बत्ती हर नुक्कड़ पे प्यास लगती है, वरना जिस दिन आप पानी की बोतल लेके निकलते ना उस दिन ऊंट बन के निकल जाते हो पूरा अपने ऑफिस तक। तो मैं कहा आज ही खेल होगा कि जिंदगी में हम ये पानी की बोतल लेके जाएंगे। और वो कहा तो हम लेके गए,
हमने डेस्कटॉप पे रखे, हमने कहा भाई आज कयामत है, कयामत है। हमारे लड़के चिल्ला पड़ेंगे ये, तो जैसे कोई आवाज नहीं है बट दूसरे डेस्कटॉप से आवाज आने लगी ये। मैं कहा ये क्या है? तो मैं चार पांच लोगों से हटाया, मैं देखा तो एक लड़की तांबे की बोतल ले आई थी। तांबे की बोतल। मैं तो एकदम दिमाग, मैंने कहा बहन ये कौन सा यंत्र है? अच्छा। तो उसने मुझे 5 मिनट लेक्चर दिया तांबे के ऊपर। कह रही यू डोंट नो तांबा, यू डोंट नो तांबा, यू डोंट नो तांबा, तांबा इज गुड फॉर योर हेयर, गुड फॉर योर स्किन, गुड फॉर योर आईज, गुड फॉर रेस्पिरेटरी। तांबा ये तांबा वो, मैंने कहा थांबा। उसने तांबे के मुझे इतने फायदे गिनवाए, इतने फायदे गिनाए कि मुझे एक बार को लगा कि मुझे तांबा खा लेना चाहिए अब तो एकदम से। मुझे लगा मैं अभी तक अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं जिंदगी में। तांबे की बोतल यार, आप मुझे बताओ तांबे की बोतल से पानी पी कौन रहा यार? आप बताओ खुद यार, हद ही हो गई यार। नहीं मैं नहीं बिरा। तांबे के बोतल में या ग्लास में नहीं पानी पीती, जैसे नॉर्मल स्टील का होता है उसी में पीती हूँ मैं भी। सीरियसली आई से जो कॉर्पोरेट लाइफ का इन्होंने सब कुछ बताया है, तो मतलब मुझे तो कभी कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन जैसे बता रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद कभी मुझे भी मौका मिल जाए जाने का, ऐसी जिंदगी जीने का। लेकिन इनका भाई रजत चौहान, मैं सच में बोलूँ मजा तो बहुत ज़्यादा है। द वे इज एक्सप्लेनिंग एवरी थिंग, द थांबा थांबा दैट ऑल थिंग्स मजा है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।